चलिए आपको सीधे चंडीगढ़ लिए चलते हैं, जहां आम आदमी पार्टी के हरियाणा प्रभारी सुशील गुप्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। राष्ट्रीय स्तर पे दिल्ली के अंदर किया और उन्होंने ये निर्णय लिया कि हम देश के 130 करोड़ लोगों को इसके साथ जोड़ेंगे, हर जाति, हर धर्म, हर पार्टी के लोग, ताकि 75 साल आजादी के बाद इस देश की जो हालत है वो बदल सके। और ये निर्णय लिया कि हर राज्य के अंदर जाएंगे, हर राज्य में उसको अलग से लॉन्च करेंगे, हर राज्य को डेवलप करेंगे, हर राज्य को नंबर वन बनाएंगे, तभी तो इंडिया नंबर वन बनेगा। मुझे ये बात कहते हुए खुशी है कि आज गुजरात के अंदर चुनाव चल रहे हैं, हिमाचल में चुनाव चल रहे हैं, परंतु अरविंद केजरीवाल जी ने हरियाणा को चुना। सबसे पहला प्रदेश हरियाणा है जिसमें लॉन्चिंग हो रही है। इसकी लॉन्चिंग करने के लिए 7 और 8 सितंबर को हिसार और आदमपुर में अरविंद केजरीवाल जी, दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री, भगवंत मान जी, पंजाब के मुख्यमंत्री, दोनों वहां पर पहुंच रहे हैं। दोनों मिलके हमने वहां पे देश को ऊपर, सबसे ऊपर रखा है। पार्टी का झंडा नहीं, देश का झंडा होगा, तिरंगा झंडा होगा। तिरंगे झंडे से मेक इंडिया नंबर वन मिशन की जो शुरुआत दिल्ली के अंदर की थी, राज्यों में सबसे पहले वो हरियाणा के अंदर शुरुआत होगी। मैं आज इस कार्यक्रम के लिए आप सभी को हाथ जोड़ के न्योता देने के लिए आया कि आप सब वहां पे सादर आमंत्रित हैं। इस 2 दिवसीय प्रवास के ऊपर आप वहां जुड़े, आप वहां पर आए और हिंदुस्तान को और हरियाणा को नंबर वन बनाने के लिए आपका सहयोग अत्यंत आवश्यक है। भारत के अंदर अच्छे शिक्षा के साधन हो, चिकित्सा के संसाधन बढ़िया हो, 24 घंटे बिजली पानी मिले, हर बच्चे को रोजगार मिले, किसान की आय बढ़े, महिला को बराबरी का दर्जा मिले, युवक अपनी स्किल के अनुसार आगे बढ़ता रहे और व्यापारी बिना डर के अपने व्यापार को आगे बढ़ाए, एक ऐसा वातावरण इस देश के अंदर बनाना है और यही वातावरण हरियाणा के अंदर भी बनाना है। हरियाणा को भी नंबर वन बनाना है। हरियाणा आज नंबर वन है बेरोजगारी में, नंबर वन है अपराध में, नंबर वन है भ्रष्टाचार में। यहाँ पे स्कूल अच्छे नहीं है, कॉलेज अच्छे नहीं है, हॉस्पिटल अच्छे नहीं है। आज़ादी के 75 साल बाद भी बिजली और पानी 24 घंटे नहीं मिल पाता है। इन समस्याओं को दूर करना है, हरियाणा को भी नंबर वन बनाना है। अरविंद केजरीवाल जी 7 तारीख को वहां पे युवाओं से मिलेंगे, छात्रों से मिलेंगे और उनको देश को विकसित करने के लिए आमंत्रित करेंगे। किस प्रकार से हम सब मिलकर इस हिंदुस्तान को आगे ले जा सकते हैं, इस हरियाणा को आगे ले जा सकते हैं, इस बात पे चर्चा करेंगे। हम चाहते हैं हरियाणा के अंदर भी अच्छे स्कूल बने, अच्छे कॉलेज बने, अच्छे डिस्पेंसरी बने, अच्छे हॉस्पिटल बने, दिल्ली की तरह 24 घंटे बिजली और पानी मिले, हर घर को रोजगार मिले, किसान की आमदनी बढ़े, युवा आगे बढ़े, महिला कंधे से कंधा मिलाकर चले। हरियाणा के अंदर भी जब नंबर वन बनेगा तभी तो देश नंबर वन बनेगा। इस बात के लिए अरविंद केजरीवाल जी वहां पर आ रहे हैं। और इस देश के अंदर पहले परिवारवाद चलता रहा, जब तक कांग्रेस चली, और अब मित्रवाद चल पड़ा। परिवारवाद के अंदर एक ही परिवार को सब कुछ चाहिए था, सारे देश के निर्णय एक ही परिवार करता था, और अब सब कुछ चंद मित्रों को चाहिए सब कुछ। और इसीलिए हमने तय किया है कि ना परिवारवाद चलेगा, ना मित्रवाद चलेगा, राष्ट्रवाद चलेगा। राष्ट्रवाद इस देश को विकसित करने के लिए, इस देश को दुनिया का नंबर वन राष्ट्र बनाने के लिए हमें राष्ट्रवादी होना पड़ेगा। हमें परिवार से बाहर निकलना पड़ेगा, हमें मित्रों से बाहर निकलना पड़ेगा।
और हिंदुस्तान के हर नागरिक के विषय में सोचना पड़ेगा। हर नागरिक को सुविधा मिले, हरियाणा के हर नागरिक को सुविधा मिले। कट्टर ईमानदार लोग, कट्टर राष्ट्रभक्त लोग राजनीति के अंदर आए और इस देश की इस व्यवस्था को बदलें ताकि हिंदुस्तान आगे बढ़ सके। जो सोने की चिड़िया का भी हिंदुस्तान होता था वो हिंदुस्तान पुनः बन सके। आदमपुर का हमने सुना है, आदमपुर परिवारवाद का एक बहुत बड़ा उदाहरण रहा। एक परिवार वहां पे सदियों तक राज करता रहा परंतु विकास नहीं करा। अब सीबीआई और ईडी का भय मुक्त करके वहां पे मित्रवाद बना दिया। जो परिवार लगातार काबिज होकर अपना परिवारवाद चला रहा था कि तो हमारे परिवार की सीट है, अब वो मित्रवाद के हवाले करके उनको भय मुक्त कर दिया गया कि अब आपके ऊपर कोई आपत्ति नहीं है, आप ऐसी जगह आ गए जहां पे आने के बाद सारे मुकदमे खुद ब खुद खत्म हो जाते हैं। हम ये चाहते हैं कि हरियाणा नंबर वन बने, आदमपुर भी आगे बढ़े और देश भी आगे बढ़े। देश के 130 करोड़ लोग, हर धर्म के लोग, हर जाति के लोग, हर पार्टी के लोग इस मुहिम के अंदर जुड़े और देश को नंबर वन बनाए, हरियाणा को नंबर वन बनाए। धन्यवाद। हमने राष्ट्रीय स्तर पे दिल्ली के अंदर लॉन्च किया था, अरविंद केजरीवाल जी ने घोषणा की थी, क्योंकि हर राज्य जब आगे बढ़ेगा तभी देश नंबर वन बनेगा। हम हर राज्य के अंदर लॉन्च करेंगे और इसमें पहला नंबर हरियाणा को दिया है। मैं समझता हूँ कि ये हमारे लिए गर्व की बात है। आज इतने बिजी वो गुजरात के चुनाव के अंदर भी है, हिमाचल के चुनाव के अंदर भी है, परंतु हरियाणा को पहला नंबर मिला, इसके लिए मैं अरविंद केजरीवाल जी का आभार भी व्यक्त करता हूँ। सभी पार्टियां बोलती हैं परंतु मैं आपको ये बता रहा हूँ, सभी पार्टियां बोलती हैं परंतु करती नहीं है। हमने दिल्ली में करके दिखाया है। आज अरविंद केजरीवाल जी ने वहां पे युवाओं को आह्वान किया, छात्रों को आह्वान किया है, उनको ये गुरु मंत्र देंगे कि हमने देश के लिए काम करना है। हम जो राजनीतिक पार्टियों के पीछे भाग लेते हैं, हम अपराध से जुड़ जाते हैं, हम जाति और धर्म की राजनीति करने लग जाते हैं, हम रोजगार पे ध्यान नहीं दे रहे, शिक्षा पे ध्यान नहीं दे रहे, चिकित्सा पे ध्यान नहीं दे रहे, सिर्फ जाति गोत धर्म ये राजनीति कर रहे हैं, इससे अलग हटना है। हमने देश को बदलना है। आजादी के 75 साल बाद भी अगर किसान कर्ज के बोझ के नीचे दब के आत्महत्या करने की सोचता है तो उस सोच को बदलना है। क्यों? तो आम आदमी पार्टी के हरियाणा प्रभारी सांसद डॉक्टर सुशील गुप्ता को आप सुन रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस वो कर रहे थे। उनकी तरफ से कहा कि देश को नंबर वन बनाना है, इस मुहिम का आगाज हरियाणा से होने वाला है। ये भी कहा कि अरविंद केजरीवाल इसका बिगुल यहां से फूंकने वाले हैं, क्योंकि गुजरात में चुनाव है, हिमाचल में चुनाव है, लेकिन उसके बावजूद भी इसका आगाज हरियाणा से हो रहा है, तो ये वाकई में हमारे लिए फख्र की बात है। विपक्ष पर भी निशाना साधा, बीजेपी को निशाने पर लिया, हरियाणा सरकार को, कांग्रेस को भी उन्होंने इस दौरान निशाने पर लिया है। चलिए इस बीच